And this is again a different story. This student is studying in 12th commerce. 12th commerce mein padhta hai, and he has a little bit physical problem that he cannot see in the daytime. Sorry, in the night time. Daytime, sunlight mein wo sab kuch dekh sakta hai. But when it comes to darkness, you can say, agar hum log classroom mein sikha rahe hai, toh in the lights, he cannot see anything on the board. But still he manages to understand mathematics jo main padhata hun usko, because of listening only. Sif room mein hota hai to use dikhai nahi deta hai, baki time mein wo sab kuch dekh sakta hai. And that student is Amarkant Prajapati. I request Amarkant to come on stage. Hote sir. Mote sir, Bajpai sir, या student बद्दल सांगण्यासाठी एक special आणखी एक गोष्ट आहे की हा विद्यार्थी स्वतः कविता ही लिहितो आणि अप्रतिम कविता लिहितो. तर आपल्या कवितेतून तो एक ती एक तो एक कविता आज साजरा करतो आपल्या समोर. प्लीज सर माइक ऑन नहीं किया. माइक ऑन. मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ. My friends, today I am going to tell a poem which is related to our nation. हमारे देश के बारे में, हमारे देश की जो condition है उसके बारे में, जिसे मैंने ही लिखा है. तो मैंने एक बार पूछा God से कि ऐसा क्यों है, हमारे देश में इतनी inequalities क्यों है. तो मैंने उनसे पूछा कि कहीं गूंजते गीत खुशी के, कहीं है गम के तराने क्यों. कुछ बागों में कलियां खिलती, कुछ बाग है फिर वीराने क्यों. कहीं खुशी की सीमा नहीं, कहीं असीमित उदासी क्यों. नालों में धारा बहती है, फिर भी नदियां प्यासी क्यों. कहीं बरसती अमृत धारा, कहीं न जल का प्याला क्यों. सुने मंदिर मस्जिद है, भरी हुई मधुशाला क्यों. जहाँ राम कृष्ण ने जन्म लिया, वहाँ जुर्म की आंधी क्यों. जहाँ राम कृष्ण ने जन्म लिया, वहाँ जुर्म की आंधी क्यों. अन्याय अत्याचार भरा पन्नों में दफन है गांधी क्यों. देता हूँ आवाज तुझे मैं, हे ईश्वर तू है कहाँ. देख पतन को बढ़ता है तेरा ये स्वर्णिम जहाँ, तेरा ये स्वर्णिम जहाँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू रूपल. थैंक यू वाजपेयी सर. थैंक यू मोटे सर. थैंक यू वेरी मच. That was a really beautiful poem, a very touching one. और सत्य जो था वो उसने अपनी कविता के थ्रू बताया, बहुत ही खूबसूरत.